तो थोड़े ब्लॉग से हमने बताया हुआ था कि हमने इंडिया जाना है, इंडिया जाना है, इंडिया जाना है, यस बट कब जाना था ये हमने नहीं बताया था। बट यहाँ पे एक सनसनीखेज खबर है जो मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस। हेलो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है वर्क फ्रॉम होम गाइस, एंड मेरे को इतनी खुशी इसलिए मिल रही है बिकॉज मैं उठ गई, मेरी 9 बजे मीटिंग थी एंड मैंने सडनली देखा मीटिंग हो गई है पोस्टपोन, 3 बजे होगी अब। So, I got some time to make tea for myself. Yay! और फ्रेंची को उठाती हूँ और उसको कहती हूँ बेटा उठ। रात को भाई साहब ने एडिटिंग नहीं करी बिकॉज हमने थोड़ी सी बात हुई ज्यादा लंबी खींच ली थी अपनी। अरे इतने अच्छे लग रहे हैं ना ये मिरर्स, और उसकी शेडो वहां पड़ रही है, इट लुक सो लवली। चाय बन गई है दोस्तों, वर्क मोड ऑन। दिल कर रहा है बाहर मूव हो जाऊं। गाइस, ऑफिस को शिफ्ट कर दिया गया है बाहर एंड अब हम आराम से धूप लेंगे। शर्मा जी अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं और ट्रिप प्लान कर रही है ये अपना, गोइंग टू दुबई। हाँ ठीक है, HDFC की वेबसाइट पे 21,500 की आ रही है। कल्ला कल्ला जा रही है मेरे बिना। इस लड़के ने कुछ नहीं करना गाइस, कुछ भी नहीं करना। वेकेशन में दिन है लेकिन ये अभी वेकेशन मोड में जा चुका है। यार प्लानिंग करनी होती है ट्रिप्स की तो काफी थक जाता है इंसान। ओए होए 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 होए, बड़ी हिम्मत करके आया हूँ यार, घर से निकलूं अब मैं आ गया हूँ। कनाडा की ना बैंकिंग बड़ी स्लो है, जो भी बैंक हो बहुत टाइम लग जाता है, और इतनी देर लाइन में खड़े होने के बाद बता देंगे कि आपका इस ब्रांच से काम होगा नहीं, आपको अपने होम ब्रांच पे जाना पड़ेगा। भाई जनरली तो इतना टाइम लग जाता है ना बैंक्स में, बट बिग शाउट आउट टू दिस पर्सन, इनका नाम है किटी येन, चाइनीज थे। मतलब क्या सर्विस दी है भाई, इतनी जल्दी जल्दी काम करवाया है। अगर कोई CIBC किंग जॉर्ज वाली लोकेशन पे आता है ना तो किटी येन से अगर कॉन्टेक्ट करना, जितने भी इंडियन है भाई, सुपर ऑसम बंदी, शी इज वेरी यंग एंड एनर्जेटिक, फटाफट काम करवाया है, थैंक यू सो मच। बाय द वे बैंक के छोटे मोटे कामों के साथ मैंने पैसे भी विड्रॉ करा लिए क्योंकि आज थोड़ी बहुत पेमेंट्स देनी है रेनोवेशन की, तो मैं अंकल और पाल मामू जाएंगे आज, पेमेंट्स वगैरह करेंगे रेनोस की, सो उसमें लगेगा टाइम। तू तो भारी होता क्या बच्चा, नहाया भी नहीं हूँ। That's perfume, Blushional guys, बहुत ही अच्छा perfume है, बहुत ही अच्छा। मैं इतने पैसे विड्रॉ करके आया हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ रील रूल बना ले मेरे सर, मैं आऊंगा मैं पैसे फेंकूंगा और तू कहेगी आज भी मैं गिरे हुए पैसे नहीं उठाती, मान ही नहीं रही। यार गाइज मैं आपको सच में बताऊँ कि भाई इतना कम्फर्ट हुआ हमें ऑन अ सीरियस नोट, मतलब रेनोज में यू डोंट हैव टू मेक पेमेंट्स राइट अवे, यू गेट दिस लाइक बफर टाइम है ना। वो भी अगर नहीं, अगर हम हमें अंकल की वजह से मिला है, ठीक है। बाय द वे हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप रेनोस कहाँ से करा रहे हैं, तो ये अंकल का नंबर है, उनका नाम है मिस्टर एंडी, ही इज वेरी हैंडी, सो आप कॉल कर सकते हो उनको, हमारा रेफरेंस जरूर देना है, ठीक है, बता देना तो अंकल को अच्छा लगेगा, अंकल कहेगी साडी बच्ची भी तरक्की कर रहे हैं। अगर आप अभी ढूंढ रहे हो कि यार रेनोस करवाने से आपको एक बजट होना चाहिए, कॉल हिम, आस्क अबाउट द बजट, पता करो कि तुम्हारे बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एंड इट्स ऑल अप टू यू कि आप कितनी हाई क्वालिटी जाना चाहते मैं हो। मैं तो बता रहा हूँ अंकल ने, अंकल क्लियर तुम्हें बता देंगे कि यार इतना ये मत करो, ये वाली टाइल मत लगाओ, तुम्हारा बजट है, अंकल हर स्टेप पे हमें बताते हैं कि फियांचू की रथ ये तो महंगा जा रहे हो तो करना है कि नहीं, फिर हम बोलते थे हाँ जी अंकल। जैसे ये काउंटर है, काउंटर टॉप में भी अंकल ऑफर्ड अस अ चीपर वन, क्वालिटी सेम थी, कलर का फर्क, कलर का फर्क, तो एक कलर था ब्राउनिश कलर का, वो $600 सस्ता था, फिर हमने दोनों ने सोचा, मैं कहता नहीं, मैं कहता $600 अंकल कोई बात नहीं, आप महंगे वाला लगाओ। एंड द बेस्ट पार्ट इज अंकल ने हर बार हमें कॉल करके पूछा फॉसेट लगवाना है, टैप लगवाना है, उन्होंने बोल दिया कि देख गोल्ड वाला इतना महंगा आएगा ये वक्त, फिर मैंने अंकल गोल्ड के पैसे नहीं है, एंड क्लियर बिल्कुल ही लाइक इट वाज लाइक सच अ क्लियर पिक्चर है ना कि भाई ये आप जाओ इसका इतना प्राइस है, इतना इसका प्राइस है ना, और अगर तुम मतलब के ऑब्वियसली ज्यादा स्पेंड करोगे है ना, दिल तो बहुत करता है, सो यू नो ही वाज सो काइंड के, मतलब ऐसा लगा यार तुम्हें लगेगा यार कि एक चीज है 50 की, दूसरी चीज है 80 की, ले लो ना यार क्या फर्क पड़ रहा है, या फिर 70 की, ठीक है किसी को तो ये भी बड़ा लग रहा है, बट कोई अगर कहते हैं यार हमारे, और हम सोचते हैं यार 70 ही इट्स ओके, नहीं हम सोचते हैं 20 है, हाँ 20 सुपर है इट्स ओके, बट फिर अंकल आके बताते हैं वो हिंजिस के बाद वो वैसे वाले सेम हिंजिस घर में टोटल लगेंगे 20, ठीक है, तो ये $400 का फर्क हो गया।
अब हिंज जिस कलर का होगा उस कलर के बोल्ट्स भी लगेंगे, स्क्रूज लगेंगे, सब कुछ ही ओवरऑल टक टक करते करते हैं तो ये एड ऑन हो जाएगा। ये हमारा जो क्लियर कट, मैं आपको बताऊं, जब हम डिसाइड कर रहे थे कलर थीम वगैरह, तो हम वी वांटेड टू गो फॉर व्हाइट एंड गोल्ड, ठीक है, बट वी एंडेड अप विद व्हाइट सिल्वर व्हाइट क्रोम एंड ब्लैक। तो अगर हम इसमें गोल्ड एड ऑन करते, ब्लैक की जगह गोल्ड लगाते, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर $4,000 ऊपर होता। प्लस उसमें एक चीज और थी, उसमें अंकल को गोल्ड इतना पसंद नहीं था, एंड ही वाज मोर लाइक, कहते कि गोल्ड सबको पसंद नहीं आता, यू हैव टू गो विद सम बेसिक न्यूट्रल। उसपे भी अंकल का पॉइंट बड़ा सही था। अंकल हमें पर्सनली पसंद है गोल्ड, बट सबको नहीं, मतलब अच्छा लगता। उसका जो वैलिड रीजन था ये था कि अगर कल को घर बेच रहे हैं, मेन सेलिंग पर्सपेक्टिव के लिए, बेसिक हो रहा, स्टैंडर्ड चीज हो तो कोई भी खरीद लेगा। टुडेज राइड, आज हम ट्रक में जाएंगे घूमने। आज हम जा रहे हैं बड़े ट्रक में पेमेंट्स वगैरह करने। जैसे घरों में नहीं होते ऐसे डोर फ्रेम लगाया हुआ और ऊपर ग्लास है, ये भी काफी टाइप के डोर है यार। पहली जगह पे पेमेंट हो गई है, अब दूसरी जगह पे जाएंगे और दूसरी पेमेंट होगी, और एक डोर जो हमारा लॉन्ड्री वाला लगा नहीं था ना, उसकी कटिंग हो रही है, सो दैट वो लग जाए, थोड़ा बड़ा आ गया था डोर। एक मैंने नई चीज देखी है, ये ग्लास पे जैसे ई आ रहा है ना, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। ई मतलब हम ईस्ट जा रहे हैं, और जैसे हम टर्न लेंगे साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे एस या एन आ जाएगा। इट्स रियली नाइस। तुम नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, तो यहाँ पे एन ई आ गए। गाइस अभी हम बता रहे थे ना अंकल और मामू के बारे में, तो अंकल का नंबर हम यहाँ स्क्रीन पर डाल देंगे। आपको कोई भी रेनोस के लिए कॉन्टेक्ट करना है, कुछ भी करना है, जस्ट इवन फॉर एस्टिमेशन आप डिस्टर्ब कर सकते हो। अंकल बहुत सारे लोग होते हैं वो जनरली ना घबराए रहते हैं कि यार हम पुराने में इन्वेस्ट करें ना करें, क्योंकि फिर कैसा होगा, रेनोस में बहुत प्रॉब्लम आती है। सो इज इट लाइक मैं स्टिल, हमें तो पता है अपना एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम नहीं आती है, नहीं, इट्स जस्ट यू हैव टू कीप अ हैंडल ऑन इट। तो जनरली जो भी नए कपल्स है या हमारे जैसे जो लोग आए हैं इमिग्रेंट्स हैं, वो घबराए ना, वो कॉल कर सकते हैं, एटलीस्ट दे विल हैव अ कंप्लीट एस्टिमेशन। जस्ट अ प्रोसेस। यस। तो गाइस मैं अंकल का नंबर यहाँ मेंशन कर दूंगा, आप जरूर कॉल करना। यू आर कमिंग टू लोअर मेनलैंड सरी वैंकूवर रिचमंड, ही इज हियर टू हेल्प यू ऑल। और अंकल अगर कॉल ना उठाएं, ही इज अ वेरी बिजी गाय, तो मैसेज ड्रॉप कर देना, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करेंगे, नॉर्मल मैसेज। चलो एनीवेज थोड़ा सा लगता है, उसकी वजह से बचा जब टॉवर। एंड शी इज लर्निंग हाउ टू पुट डोर स्टॉपर, अभी उसने ये सीखा है लगाना, सो ही इज पुटिंग द अदर वंस। आज मैं आपको बताऊंगा कि डोर स्टॉपर कैसे लगाते हैं। सो बेसिकली आपको ये तीन चीजें मिलेंगी छोटे से पैकेट में, ये $2 का आता है, ठीक है, होम डिपो से। उसके बाद आपको क्या करना है, ये नेल लेना, स्क्रू लेना है, और इसके अंदर डाल देना है। और कोशिश करना है कि सब्सक्राइबर्स के आगे एक बार भी डल जाए, ठीक है, ऐसे एक फिट कर लेना। फिर आपको देखना है, देख लो डोर किधर है। हाँ तो यहाँ लगा रहे ना, यहाँ तक तो डोर आ जाएगा। okay. इतना नीचे लगाना है। ओके। यहाँ पर ऐसे लगा दिया। उसके बाद ये पिन होगा यहाँ पे, ऐसे खुलता ही है। ये इसके अंदर डालनी है, यहाँ पे होल है और घुमा देना, दैट्स इट। व्हाट, ये मैंने एक ही दिन में तीन लगाए आज, इतना इजी। सी उधर डेमो दिखा। ओह क्या बात है, ठीक है, वंडरफुल। तो यहाँ पे वरना ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा बचती है और यहाँ पे होल हो जाता है। हमारे सामने मेन डोर हो गया था। दोस्तों 10 बज रहे हैं और भी आधे काम कंप्लीट हुआ है, बट कीरत ने मुझे बताया है कि एक वीडियो हमने बनानी थी, अभी तक हमने बनाई नहीं है। ये मैडम तो तैयार हो गई है, अपनी रील्स बना रही है बाहर बैठ के, ठीक है, इससे हमें शूट करना है।
और अभी उसने मेरे को धमकी दी हुई कि जल्दी नहा और तैयार हो क्योंकि हमने एक और वीडियो बनानी है और काम भी बहुत सारा कर रहे हैं, तो एक शूट है वो करना है, तो नहा के आपसे मिलता हूं एक बारी। दोस्तों वीडियो वीडियो तो क्या बना पाए, खाने पे आ गए हम, थक सुक गए हम, तैयार हो गई हम, मैडम का छोटा सा फोटोशूट वगैरह किया उसी में थक गए और मैं भी तैयार हुआ, बट फिर आगे हिम्मत ही नहीं हुई कुछ करने की और मैं तो कुछ खाना खा लेते हैं। बट एनी हाउ एक छोटी सी बात बतानी है आपको, एवरी सेवन अप है, ये है लेमन लाइम बबल्स, ये जरूर ट्राई करना, बड़ी टेस्टी लगी। कैसी लगी तेरे को? मैंने पहली बार पी है। दोस्तों बाय फार मोस्ट रिफ्रेशिंग कोल्ड ड्रिंक एवर। शर्मा जी बना रहे हैं कॉफी, मच नीडेड। अभी बहुत काम करना है भाई, बहुत काम करना है, जान निकली हुई है इसका किरत, तो अपना करेगी काम। और गैस बहुत जान निकल रही है, मुझे नींद नहीं आ रही। नहीं नहीं आई, आई एम वेरी सीरियस यार, मैं तो सोने नहीं दे सकता। प्लीज आई हैव टू स्लीप। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मेरा कल पता है ऑफिस में, तेरे को पता बहुत काम है। गाइस नो किडिंग, बहुत काम है यार, बहुत काम है यार। प्यांशु मजा आ जाता है यार हर जगह, इधर मिरर लगा ना, मैं ऐसे फटाफट दिखा दीजिए। गाइस बहुत काम है यार मेरे को फ्लिप नहीं करने की जरूरत, बहुत काम है यार, इधर भी इसीलिए मिरर लगाया। प्यांशु इधर, बहुत काम है यार। So tired. मैं आई हूँ अपने पार्टी को एंजॉय करने। हीट ऑन करते हैं। I just can't get over with this peaky cafe. अच्छा by the way, मैंने आपको बहुत जरूरी एक बात बोलनी थी। Please subscribe कर लीजिए हमारा चैनल, हम बहुत जल्दी 80K पहुंच सकते हैं अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। Please. Don't forget to hit the subscribe button. और हमारी videos को आप share भी कर सकते हो हमारे channel को, so that हम अपने goal पे जल्दी जल्दी पहुंच जाएं। Hi guys, welcome back to the channel. Hello, hello. Welcome back to our channel. बहुत जरूरी बात करनी है, आ जाओ। So थोड़े ब्लॉग से हमने बताया हुआ था कि हमने इंडिया जाना, इंडिया जाना, इंडिया जाना है। Yes. बट कब जाना था ये हमने नहीं बताया था, बट यहाँ पे एक सनसनीखेज खबर है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हम इंडिया कल जा रहे हैं, कल लिटरली बता रहा हूँ, आई स्वेयर झूठ नहीं बोल रहे, हम इंडिया कल जा रहे हैं। पैकिंग अभी तक शुरू नहीं की। एक्चुअली क्या है, मैंने जो हमारी फ्लाइट्स पहले की बुक हुई थी वो 10 days बाद की थी और मम्मा मुझे बहुत ज्यादा जिद कर रहे थे, मम्मा कीरत से टाइम स्पेंड करना चाहते थे और कीरत की फाइनली छुट्टियां अप्रूव हो गई, इस वजह से मैंने सारा ट्रिप प्रीपोन करवाया है। मैंने समवेयर अराउंड 2 weeks पहले सारी टिकट्स पहले करवा ली और अब हम इंडिया कल जा रहे हैं। मेरी फैमिली से मम्मा को पता है क्योंकि मम्मा की वजह से ही हमने टिकट्स करवाई हैं। और मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। एंड मम्मा इज लाइक, अभी तो चल तेरा टाइम है, लास्ट मिनट तू शॉपिंग कर रही है। उनको अभी भी दस दिन पहले भी उनको लास्ट मिनट शॉपिंग लग रही है, बट उनको ये नहीं पता कि आई एम फ्लाइंग टुमारो एंड आई एम गोना सी हर टुमारो। वी हैव लेस देन 10 hours कि हमने एयरपोर्ट के लिए निकलना है। Yeah.